खबर सराय केला से है, जहां एनएच 33 से आदित्यपुर को जोड़ने वाले मुख्य सड़क पर हुआ बड़ा हादसा। आनंदपुर में इंडिका कार में बल खेलकर आ रहे युवक की रोक गया, जिस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, तो वही पुलिस मुख्यदर्शक बनी रही। बता दें कि सराय किला खरसावा के आदित्यपुर थाना अंतर्गत आनंदपुर में एक बार फिर रफ्तार कर रहे देखने को मिला, जिसमें बंगाल के नवंबर की इंडिका कार में फुटबॉल खेलकर आ रहे युवक को रोक गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दर्जनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि वह इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। वह उसकी बहन ने कहा कि मैं और मेरी बुजुर्ग माता पिता के पालनहार को छीन लिया गया। झामुमो जिला उपाध्यक्ष महेश्वर महतो का कहना है कि यहाँ आए दिन बालू गाड़ी द्वारा सड़क हादसा होते रहते हैं, न ही कभी प्रशासन इस पर ध्यान दिया है और न ही इस पर कभी कोई कार्रवाई की गई। वहीं महेश्वर माता का आरोप है कि कई बार पुलिस को अवॉर्डन देने के बावजूद भी पुलिस कार में तेल डालकर चलती रहती है। सरायकेला खरसावां से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। उधर से लौट रहा था, लौटने का समय में हादसा हुआ। इसका परिवार में मैं हूँ, मेरा मम्मी है, मेरा पिताजी है, मेरा बड़ा पापा है। आपका क्या नाम है? सीता हसदा। अच्छा, जिनका एक्सीडेंट उनका क्या नाम है? छोटू हसदा। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों का मांग है कि 10 लाख सरकारी तरफ से मिलता है वो वाला। तो हम लोगों का पिताजी था, ठेकेदारी में काम करता था, काम करके लाता था, वही हम लोगों का पेट चलता था। उसी के लिए परिवार को आप लोग क्या देना चाहते हैं वही हम लोगों का मांग है। आए दिन हम लोग का ये जो संपरा मेन रोड बना है, ये पूरा खतरनाक हो गया ग्रामीण के लिए। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, आए दिन यहाँ मृत्यु हो जाता है। अभी हमारे आनंदपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार साइकिल से आ रहा था और पीछे से एक चारचक्का द्वारा वो उसको मार के एक्सीडेंट कर दिया और वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया। इसलिए यहाँ ग्रामीण रोड को जाम कर दिया और ग्रामीण जो है आदिवासी मूलवासी एकता एक है और रोड को इसलिए जाम किया गया कि आए दिन यहाँ हाईवा चलता, यहाँ टेलर चलता, आए दिन हमारे आदिवासी ऊपर अत्याचार हो रहा, आए दिन हमारे आनंदपुर का लोग तीसरा घटना है, आनंदपुर का लोग मर जा रहा है। तो इसलिए हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं और यहाँ का जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं, जो गरीब परिवार को अभी एक्सीडेंट से जो कमा खिलाता है उसका भरण पोषण करता है, उसको 10 लाख रुपए हम लोग मुआवजा किए हैं और इसीलिए हम लोग रोड को नाकाबंदी कर दिए। जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस रोड को नहीं खोलेंगे। हम लोग यहाँ BDO CO को भी कर दिए, थाना का प्रभारी को भी यहाँ बोल दिया, सूचना दे दिए। जब तक प्रशासन हमारी मांग को नहीं समझौता करेगी तब तक ग्रामीण यहाँ पर रोड को पूरा जाम रखेगी और ग्रामीण एकता जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि ग्रामीण का जो समस्या है, जो आदिवासी का जो समस्या है, जो एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया उसके परिवार को 10 लाख रुपया हम लोगों जिला प्रशासन से मांग करते हैं। इसलिए आज ग्रामीण एकता ये रोड को जाम किया, आए दिन हाईवा बालू चालक यहाँ हम लोग को परेशान करके रखा है। हाईवा टेलर बड़ा स्पीड करता है, यहाँ का हम लोग का अभी थाना प्रभारी जी आए हैं महतो जी, उनको हम लोग कई बार पुलिस पब्लिक मीटिंग में भी हम लोग कहा कि भाई हमारे क्षेत्र में आए दिन यहाँ तस्करी हो रहा है हाईवा से बालू और आए दिन स्पीड से हमारे लोग मर रहा है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि गरीब परिवार जो मृत्यु हो गया उसको परिवार को 10 लाख का मुआवजा दीजिए, उसका भरण पोषण, और जो BDO से तत्काल जो राशि मिलता है 10,000 का उसको अंतिम संस्कार करने के लिए, यही हमारे मांग है। ग्रामीण एकता जिंदाबाद। मेरा नाम महेश्वर महतो है, झारखंड आंदोलनकारी जिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष महेश्वर महतो। जय झारखंड।